वो 60 विधायकों का समर्थन लेकर सोनिया गांधी के समक्ष बैठे हैं, पर उनको समय नहीं दिया जा रहा। क्या ये माना जाए कि परिवर्तन का दौर छत्तीसगढ़ में होगा या नहीं होगा? एकदम स्पष्ट सवाल। 70 के 70 जो विधायक हैं सब एक राय के जी, कोई अलग राय के नहीं, राय के नहीं है। 20, 30, 40, 50, 60 मत मानिए, 70 के 70 की हाईकमांड जो निर्णय करेगा वही सारे के सारे विधायक मानेंगे बाबा। लेकिन इतने वरिष्ठ जो नेता है छत्तीसगढ़ में, चरणदास महंत है, रविन्द्र चौबे है, और भी कई है, टीएस बाबा का ही नाम क्यों आ रहा है? क्या वाकई में वाकई कोई कमिटमेंट था क्या? कमिटमेंट की बात नहीं होती, ये सबके सामने ये घटनाक्रम हुआ था कि चुनाव के बाद में 4 लोगों को दिल्ली बुलाया गया था जी। 4 लोग थे, चरणदास महंत जी, ताम्रध्वज साहू जी, भूपेश बघेल जी और टीएस सिंहदेव। तो ये 4ों को किस लिए बुलाया था? मुख्यमंत्री बनाने के पहले इनसे चर्चा की, तो ये चर्चा में बात आ गई, मीडिया में ये बात आ गई कि 4 लोग संभावित हैं। एक बयान चरणदास जी का मैंने कुछ दिन पहले सुना था कि ये सेमीफाइनल और फाइनल वाली बात जी, जी। तो ये उसी से ये बात बनती है और आगे चलती है कि क्या ये 4 लोगों को बुलाया गया तो एक को चुना गया, आगे क्या संभावना है कि और करेंगे, काम सभी करते हैं तो क्या काम के आधार पे, स्थिति के आधार पे और विचार हो सकता है कि नहीं। इसीलिए ये हाई कमांड के पास रहती है बात कि कुछ चेंज करना बाबा। लेकिन नहीं कर। दो लोग तो...